तो भाग्य लक्ष्मी और ऋषि ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और रिचिंग का बहाना करके अब मंडप से उठ गया है। तो वहीं ऋषि, लक्ष्मी, आयुषवानी अब सारे इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से अब तो प्यारी सी जो ऋषि और लक्ष्मी के बीच में जो प्यारी सी नोकझोंक चली हुई है कि एक प्लान जो है तुमने कैसे कर लिया, ये मेरा प्लान है, मैं ऐसा करूँ वैसा, तो उनके बीच में प्यारी नोकझोंक चली हुई है। वहीं उन सभी इकट्ठे मिलकर फिर बलविंदर को होश में लाते हैं ताकि बलविंदर और कमली की शादी हो जाए। अब शादी तो उन दोनों की हो गई, लेकिन अब देखना होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा कि लक्ष्मी की शादी नहीं हुई है, इसका रिएक्शन घर वालों पे क्या पड़ेगा, दादी, ऋषि की मॉम, ये सारे कैसे रिएक्ट करेंगे, और ऋषि और लक्ष्मी फाइनली कब शादी करेंगे। सो की वॉचिंग।